हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ब्लूटूथ कार्ड के बारे में। ये जो है चौका वाला ब्लूटूथ कार्ड अभी ब्लूटूथ के साथ अवेलेबल हो चुका है। पहले आता था ओनली ब्लूटूथ नहीं था इसमें, ओनली MP3 वगैरह था, लेकिन अभी ब्लूटूथ के साथ ये अवेलेबल हो चुका है। तो ब्लूटूथ है कि नहीं वो पता चलेगा आपको ये एंटेना देख के। जिस कार्ड में ब्लूटूथ नहीं है उसमें ये एंटेना नहीं मिलता है। इसके साथ एक सेंसर भी आपको दिया जाता है और साथ में इस पॉलीथीन के अंदर एक रिमोट भी था ये वाला। तो ये तीन चीज़ इस पैकेट के अंदर मिल जाता है, तो आप मार्केट में पता कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर कनेक्शंस के बारे में बात कर लिया जाए, यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शन के ऊपर ध्यान देना होता है। तो नीचे से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए DACL, AGND और DACR है। तो ये है सबसे वाइटल कनेक्शन, ये है हमारा ऑडियो आउटपुट की कनेक्शन। ये AGND है माइनस कॉमन, और उसके साथ ये जो है ये DACL और DACR, ये राइट और लेफ्ट चैनल की जो आउटपुट है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर राइट, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लेफ्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पर की स्विच मिल जाता है, की वॉल्यूम प्लस, की मोड, की वॉल्यूम माइनस, की पॉज प्ले। तो ये चार स्विच के कनेक्शन मिल जाता है यहाँ पर। तो इन चार में से जो स्विच ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, मतलब ये स्विच अगर ग्राउंड के साथ टच होता है तो इसकी फंक्शन काम करेगी। तो आप जब इसको पुश बटन लगाएंगे तो एक सिरा इसमें लगेगा, एक सिरा ग्राउंड में लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको मिल रहा है यहाँ पर ग्राउंड, IRDO और यह है 3.3 वोल्ट। IRDO का मतलब होता है इन्फ्रारेड डाटा आउट। तो इन तीन पिन में आपका जो रिमोट का सेंसर है वो कनेक्ट होता है। तो इसमें जो कनेक्शन होती है वो आउट, ग्राउंड और वोल्टेज होती है। तो ये होता है आउटपुट पिन, ये है ग्राउंड और ये वोल्टेज की पिन। तो ये आउटपुट पिन जो पहला वाला, ये है आपका IRDO में लगेगा। उसके बाद ग्राउंड जो है ग्राउंड में लग जाएगी GND, और जो 3.3 वोल्ट पिन है वो ये लास्ट वाला इसमें लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें मिल जाता है यहाँ पर ऑक्स जैक की कनेक्शन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, DET AR AG AL K1 K2। तो इनका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन तीन पिन है उसके लिए एक कनेक्टर दिया हुआ है, ये है आपका AR AG AL। मतलब कि जो आप लोग इनपुट देंगे, ऑडियो इनपुट, जो AUX जैक, मतलब कि फ़ोन की हेडफोन से अगर आप बजाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इनपुट होती है। तो यहाँ पर AGND AR AL ये तो है ही, मतलब कि ग्राउंड, राइट चैनल और लेफ्ट चैनल, जैसा यहाँ पर आउटपुट था ना ऐसा ही यहाँ पर इनपुट भी मिल रहा है। तो ये डिटेक्शन पिन क्या करती है, DET जो लिखा हुआ है ये डिटेक्शन पिन होता है। इसमें अगर ग्राउंड मिल जाता है तो ये जो है ऑटोमेटिक मोड से स्विच कर देता है। तो ये जैक जब आप घुसाएंगे उसमें तभी ये जो है ऑडियो मोड जो है चेंज हो जाएगा, ये आपका इस वाली जैक को डिटेक्ट करेगा। इस वाली जैक में चार कनेक्शन रहती है, तीन कनेक्शन इस तरफ और एक कनेक्शन उस तरफ रहती है। तो इनमें से एक जो है आपका डिटेक्शन पिन के लिए काम करता है, मतलब जैसे ही आप इसको घुसाए तो इसका जो है मोड ये चेंज हो जाएगा। तो उसको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा। तो इसका जो चौथा वाला कनेक्शन है इस कनेक्टर में, उसको इस डिटेक्शन पिन में लगाना पड़ता है। तो जैसे ही आप लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो वो वाली पिन में ग्राउंड मिल जाता है, तभी ये जो है डिटेक्ट कर लेता है कि आपने ऑक्स जैक को लगा दिया, तो ये इसका मोड को चेंज कर देता है। चाहे वो किसी भी मोड में है वो ऑक्स मोड में आ जाती है, और फिर इसको खोल देने से वापस उस मोड में चला जाएगा जिसमें पहले था। और दोस्तों यहाँ पर K1 K2 ये दो स्विच है, तो इसको हम लोग लगा के पता करेंगे क्या स्विच है ये। और इस तरफ आपको USB की कनेक्शन मिलता है, VDD, D+, D- और ग्राउंड, ये डायरेक्ट USB में चली जाएगी सीधा सीधा। USB पोर्ट में देखिए यहाँ पर VDD मिल रहा है, D- D+ और ग्राउंड। तो कोई भी बोर्ड में आप लोग देख लेंगे कि VCC कहाँ पर लगती है, तो ये देखिए इस तरफ VDD है, इस तरफ ग्राउंड है, क्योंकि देखिए जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ ट्रैक होता है वो ग्राउंड होता है, उसके साथ ये वाली पिन कनेक्टेड है, मतलब कि इस तरफ की पिन है ग्राउंड। तो ये प्लास्टिक को ऊपर में रखते हुए दाएं साइड में होता है ग्राउंड, तो हम लोग इस प्लास्टिक को नीचे रखते हुए इसको कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये कनेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से ये सीधा सीधा कनेक्शन हो जाएगी, ग्राउंड, VDD, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा आप लोग कनेक्ट कर देना बस इस प्लास्टिक को नीचे रखते हुए, ओके। और उसके बाद है ये 5 वोल्ट और ग्राउंड, ये है आपका इनपुट लाइन, मतलब कि इसमें आप लोग 5 वोल्ट का इनपुट देंगे। तो इसमें आप प्लस माइनस ठीक करके लगाए, 5 वोल्ट से ज़्यादा ना दें, नहीं तो ये किट खराब हो जाएगा। ये सब वारंटी के साथ नहीं आता है, खराब हो गया तो आपका गया। और यहाँ पर साइड में जो पिनें रहती है ये मेमोरी कार्ड रीडिंग के लिए है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग जस्ट इन चार पिन को लेके USB में कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड, VDD, D+ और D-। अब दोस्तों इसके साथ मैंने कुछ कनेक्शन कर दिया, ये सेंसर को फिट कर दिया, प्लस माइनस के लिए लाइन निकल के रखा, और जो हमारा ऑडियो आउटपुट लाइन है ये मेरा होम थिएटर से कनेक्टेड है। अब हम लोग इसमें पावर देंगे और देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। आपको मैंने पहले ही बोला इसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा पावर नहीं देना है। तो अगर आपका ऑडियो बोर्ड में 5 वोल्ट उपलब्ध नहीं है, 12 वोल्ट है, तो इस तरह की एक IC आती है, इसका नाम 7805 है, 7805। तो इस वाले IC को आप खरीद कर इसमें पावर दे सकते हैं। ये मिडिल वाले होता है ग्राउंड, लेफ्ट वाले होता है प्लस 12 वोल्ट इन, और राइट वाले होता है प्लस 5 वोल्ट आउट। तो इसमें 12 वोल्ट ग्राउंड दे देंगे और इसमें ग्राउंड 5 वोल्ट आउट यहाँ से मिल जाएगा, और उसको आप लोग यहाँ पर कनेक्शन दे सकते हैं। मैं इसको अभी चालू करूँगा टेम्पोरारी एक बैटरी से, तो चलिए इस बैटरी को कनेक्शन कर लेते हैं।
और दोस्तों आपको एक कनेक्शन यहाँ पर बताना भूल गया, ये FM एंड जो लिखा हुआ है ये FM का एंटीना है, तो इसको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें प्लस माइनस ठीक करके मैं पावर दे रहा हूँ, ये देखिए ब्लूटूथ मोड। ये डिस्प्ले कैमरा में ऑन ऑफ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आँखों में ये सही दिखता है। अब देखिए ये रिमोट भी काम कर रहा है। FM मोड, ये देखिए वॉल्यूम कम बेसी हम लोग कर सकते हैं FM इससे। तो ये देखिए रिमोट भी ठीक ठाक काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब जो आपको डिटेक्शन पिन बताया उसका भी कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑडियो ग्राउंड से मैंने इस कनेक्शन को लिया हुआ है, इसको जैसे ही हम लोग डेट में टच करेंगे तो इसका मोड जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए ऑक्स मोड में आ गया, फिर इसको छोड़ दिया तो ब्लूटूथ मोड में आ गया। देखिए अब यहाँ पर दो स्विच है K1 K2, इसको देखते हैं ये क्या क्या स्विच है। तो K1 में हम लोग टच करते हैं तो देखिए यहाँ पर पॉप रॉक ये सब लिखा आ रहा है, मतलब कि ये जो है ऑडियो मोड का स्विच, जैसे ऑडियो का इक्विलाइजर होता है ना, पॉप रॉक जैज CLR ये सब होता है। उसके बाद ये दो नंबर की स्विच जो है ये क्या है पता नहीं चल रहा है, इसको टच कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जो ग्राउंड है इस ग्राउंड को लेकर के हम लोग यहाँ पर टच कराएंगे इस स्विच के कनेक्शन में, तो ये सब मोड वगैरह होगा। देखिए मोड की मैं टच कर रहा हूँ, मोड चेंज होगा, ये देखिए इस तरह से। जिस स्विच का कनेक्शन को आप ग्राउंड के साथ टच करेंगे उस स्विच का फंक्शन काम करेगा। अब दोस्तों हम लोग एक गाना चलाकर देख लेते हैं। ये देखिए गाना चल रहा है, ये जो इक्विलाइजर का स्विच है वो यहाँ पर K1 में है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।